नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम की कार्रवाई सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। लेकिन आगे अपना बुलेटिन शुरू करने से पहले आप सबको जरूरी जानकारी देना चाहूंगा। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि ओमिक्रॉन भारत में भी दस्तक दे चुका है और लॉकडाउन वाली परिस्थितियां हमने डेल्टा में भी बनते देखी थी, और अब अगर लॉकडाउन लगता है तो लोगों को चिंता सताने लगती है, डर सताने लगता है कि उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर पर पैसे कैसे कमाएंगे। लेकिन अब इसके लिए आपको और चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी ऐप जिसके जरिए आप लॉकडाउन में भी घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं, वो भी बिना किसी फीस दिए, बिना किसी रजिस्ट्रेशन चार्ज के। उस ऐप का नाम है माई बिग ब्लिस। ये माई बिग ब्लिस एक ऐसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐप है जिसके थ्रू आप लॉकडाउन में भी घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं। आपको बस इतना सा करना होगा, फ़ोन में इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल कर लेना है, इस पर रजिस्टर करना है और अपना स्टोर बना लेना है। ज़रूरी नहीं कि इस ऐप पर सामान बेचने के लिए आप पहले से कुछ कारोबार कर रहे हों या आपकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो या फिर आपको करनी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मामूली ठेले वाला भी इस ऐप के जरिए अपनी ग्राहकी बढ़ा सकता है, और अगर लॉकडाउन की परिस्थितियाँ नहीं लगती है तब भी आप इस ऐप का फ़ायदा अपनी ग्राहकी यानी कि अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को आप लोग फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माई बिग ब्लिस ऐप का नाम है MYMYBIGBLISS माई बिग ब्लिस। कारोबारियों के लिए बहुत ही अच्छी ऐप है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से अब कृषि फसल बाजार के अपडेट की। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सीर का दिसंबर वायदा 6434 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। मामूली सी हल्की सी बढ़त बनती नजर आ रही है। हम देख रहे हैं आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी कैसे सीर का वायदा बाजार 6400 के घरों में ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। दरअसल कैसे सीर को हमने काफ़ी समय से एक सीमित दायरे में ही कारोबार करते देखा है, और दूसरा अब ओमिक्रॉन भी भारत में दस्तक दे चुका है, तो अभी हाल फिलहाल में जो इसका एक्सपोर्ट है वो भी थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है। हालांकि डिमांड है लेकिन एक्सपोर्ट के व्यापार में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से कैसेस में अभी हाल फिलहाल में हो सकता है कि ये एक सीमित दायरे वाला जो रुझान है वो देखने को आगे भी मिलता रहे, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी आगे भी देखने को मिलती रहे। बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वादा देख रहे हैं 2792 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। 2816 का हाई लगा चुका है, आधे फीसदी से ज़्यादा की तेजी है। हम देख रहे हैं कि बिनौला खल जो कि कल को 2800 के लेवल के बाद आज सुबह 2700 के घरों में ट्रेड करता नजर आ रहा था, अब धीरे धीरे एक बार फिर से 2800 के तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। सिर्फ 8 पॉइंट की दूरी पर है लेकिन 2816 का हाई भी लगा चुका है, तो उम्मीद है कि आज की क्लोजिंग होते होते बिनौला खल 2800 के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा। और अगर डेली बेसिस पे क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो बिनौला खल की कीमतों में आगे और भी तेजी देखने को मिल पाएगी। बात करें यहाँ से अगर धनिए की, तो धनिए का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 8762 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 8852 का हाई लगा चुका है, 1% की तेजी है। आज हमने धनिया की कीमतों में काफ़ी शानदार तेजी आते हुए देखी है। जो धनिया नीचे में 8300-8400 तक जा चुका था 8500 का लेवल के बाद, अब उसी धनिया में 8800 के भी स्तर एक बार फिर से देखने को मिल चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जो बारिश हुई है उसकी वजह से मसालों की जो कीमतें हैं उनको सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलता नज़र आया है। दूसरा, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि धनिया का कैरी ओवर स्टॉक थोड़ा कम बताया जा रहा है, धनिया की मांग निरंतर बनी हुई है जिसकी वजह से धनिया की कीमतों को सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है, वो तो उसी की वजह से आज हमने धनिया की कीमतों में एक तेजी बनते देखी है। बात करें यहाँ से अगर जीरे की, तो जीरे का दिसंबर वाला देख रहे हैं 16130 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है मामूली सी बढ़त के साथ। देख रहे हैं कि यहाँ पे जीरे का दिसंबर वाला आज एक बार फिर से 16000 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। जीरे की बुआई तो ठीक ठाक बताई जा रही है लेकिन जो मांग है वो भी ज़्यादा बताई जा रही है, और दूसरा अब जैसे जैसे दिसंबर जनवरी होएगा तो हो सकता है कि जीरे की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो थोड़ी उठती नज़र आए। हालांकि अभी इतनी देखने को नहीं मिल रही है लेकिन आगे जाके हो सकता है कि जीरे की जो निर्यात मांग है वो ज़्यादा तेज़ होती नज़र आए, और अगर ओमिक्रॉन का इतना असर नहीं हुआ, लॉकडाउन वाली परिस्थितियाँ नहीं बनी, तो हो सकता है कि जीरे में एक अच्छी तेज़ी भी बन जाए। बात करें यहाँ से अगर हल्दी की, तो हल्दी का दिसंबर वादा देख रहे हैं 7576 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है 0.25% की गिरावट के साथ। हम देख रहे हैं कि हल्दी का दिसंबर वादा 7500 के घरों में ट्रेड करता नज़र आ रहा है। दरअसल हल्दी में
ने देखा है कि जो कैरी ओवर स्टॉक है ठीक ठाक है, उत्पादन भी ठीक ठाक है, और हल्दी में जो तेजी बनी थी वो बारिश की वजह से बनी थी, क्योंकि दक्षिण भारत में जो बारिश हुई है उसका असर कहीं ना कहीं हल्दी की क्वालिटी पर पड़ता नज़र आ सकता है। हल्दी की क्वालिटी में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, क्वालिटी थोड़ी ख़राब होती नज़र आ सकती है, जिसका सपोर्ट हल्दी की कीमतों को मिलता नज़र आया था। हालांकि वायदा में हल्दी की कीमतें इतनी ऊपर जाती हुई नज़र नहीं आई थी, 7600-7700 तक हमने हल्दी की कीमतें ऊपर जाती हुई देखी हैं, और फिर उसके बाद ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती नज़र आई। दरअसल इस बार हल्दी में उन लोगों ने मुनाफा वसूली की जिनको पहले हल्दी में कमाने का मौका नहीं मिला था। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी, जिनसे हम जानेंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र में किस कृषि फसल में क्या करके चलना सही रहेगा और आगे कैसे रुझान देखने को मिल सकता है। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। जी अखिलेश जी, नमस्कार। नमस्कार अनुज जी। अनुज जी, सबसे पहले आपसे हल्दी के ऊपर ही आउटलुक जानना चाहूँगा। हमने हल्दी की कीमतों में हाल ही में 7600-7700 तक के लेवल आते हुए देखे थे, और हल्दी के साथ साथ जीरे में और धनी में भी अच्छे लेवल्स आते हुए देखे हैं। अब आपको क्या लगता है, आज जो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली बनी है, क्या यहाँ से एक बार फिर से मसालों की कीमतों को सपोर्ट मिलता नजर आएगा? अखिलेश जी, मसालों की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है। एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से भावों में अच्छा एक सपोर्ट मिला है, और हमने देखा है कि मसालों की जो बुआई है वो थोड़ी पिछड़ती हुई दिखाई दी है, इसकी वजह से सभी मसालों में तेजी का रुख आता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि मसालों में अभी जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, और एक्सपेक्टेड है कि हल्दी, जीरा और कोरिएंडर तीनों के अंदर ही अच्छी तेजी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। जी अनुज जी, बात करूंगा अगर धनिये की, तो धनिये में आज हमने 8800 के लेवल्स टच होते हुए एक बार फिर से देखे हैं। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले कुछ ही दिनों में धनिया एक बार फिर से 9000 के ऊपर के लेवल्स दिखा पाएगा? बिल्कुल, हमें लगता है कि जिस तरह की तेजी यहाँ पर दोबारा देखने को मिली, एक्सपेक्टेड है कि 9000 के ऊपर के लेवल धनिये में देखे जा सकते हैं। यहाँ पर भी अच्छी खासी डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड भी है, और इस बार जो अराइवल है वो थोड़ी कम देखने को मिली है। हमें लगता है कि धनिये के अंदर आपको आने वाले महीने में 8900-9000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि अराइवल थोड़ी कम देखने को मिली है, डिमांड भी अच्छी है, डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो धनिये में आने वाले दिनों में 8900 से लेकर 9000 तक के भी लेवल्स अनुज जी के अनुसार देखने को मिल सकते हैं। अनुज जी, इसी के साथ बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने कल को 2800 के लेवल पर ट्रेड होते हुए देखा था बिनौला खल को, आज 2700 के घरों में कारोबार करता नजर आ रहा है, हालांकि 2816 का हाई भी लगा दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर आज बिनौला खल 2800 की क्लोजिंग दे देता है तो क्या आगे और भी अच्छी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए बिल्कुल, हालांकि अभी हम देखें तो 2800 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट जो ट्रेंड है इसका वो पॉजिटिव है। हमें लगता है कि इसमें हम जो टारगेट कर सकते हैं वो 2900 से लेकर 3000 तक का टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी एडवाइस है कि खरीदारी का ट्रेड ही लेके चले, जो भी टिप मिलता है खरीदारी करें, आने वाले एक महीने में 2900 से लेकर 3000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। जी, इसी के साथ अनुज जी, हम देख रहे हैं कि कैसा सीड काफी ज्यादा रेंज बाउंड होकर रह गया है। जैसे ही 6500 के ऊपर के लेवल्स कैसा सीड में बनते नजर आते हैं, उसके अगले ही दिन ही मुनाफा वसूली भी बन जाती है, और फिर से कैसा सीड 6400 के लेवल्स पर आके अटक जाता है। आपको क्या लगता है, कैसा सीड क्या आने वाले दिनों में 6500 के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ नजर आ पाएगा? क्या 6600-6700 के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे, या फिर कैसर में ऐसी रेंज बाउंड देखने को मिलती रहेगी अभी भी? देखिए, अभी कैसर में हम पिछले काफी दिनों से रेंज बाउंड मूवमेंट देख रहे हैं, और हमें लगता है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ी रेंज बाउंड मूवमेंट ही रहेगी। हालांकि जो ट्रेंड रहेगा वो थोड़ा पॉजिटिव बायस के साथ रहेगा, नहीं जो भी डिप आएगा वो खरीदारी देखने को मिलेगी। नीचे अगर हम रेंज की बात करें तो 6200 और ऊपर में 6550, ये एक रेंज काफी टाइट रेंज है जिसमें हमें लगता है कि मूव करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि खरीदारी की ही सलाह रहेगी, अगर भाव नीचे आते हैं 6200-6250 तक, तो खरीदारी का ट्रेड लेके चलें, ऊपर में 6500 से लेकर 6550 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो एक रेंज का दायरा रहेगा और पॉजिटिव बायस रहेगा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहेगी। जी अनुज जी, यहीं से बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार में आज निचले स्तर से खरीदारी देखने को मिली है। कल को हमने देखा था कि जो प्राइसेस थे वो काफी ज्यादा डाउन जाते नजर आए थे, वहीं आज देख रहे हैं कि ग्वार गम में 5% से ज्यादा का और ग्वार सीड में 4% का ऊपरी सर्किट लगता नजर आ गया है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से ग्वार में तेजी बनती नजर आएगी, या फिर यहाँ से एक बार फिर से करेक्शन आएगी? देखिए, ग्वार सीड, ग्वार का में एक काफी लोअर लेवल पे चला गया था, ओवरसोल्ड जोन में था, जहां पर हमने अच्छी रिकवरी देखी है। मंडियों के अंदर भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है निचले स्तर होने की वजह से। हमें लगता है कि अभी फिलहाल ये हफ्ता एक पॉजिटिव बायस में क्लोज हो सकता है, और वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि अगेन 5900 से लेकर 6000 तक के लेवल
ग्वार सीड में और ग्वार गम में करीबन 10,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि 100 से 200 रुपए की तेजी ग्वार सीड में देखी जा सकती है। खरीदारी दोबारा से लौटते हुए दिखाई दी है और जो क्रूड में तेजी आई है उसकी वजह से भी हमने ग्वार सीड ग्वार गम में अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि फिलहाल एक हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से भावों में तेजी का रुख रहेगा, यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। जी, तो यानी कि ग्वार गम ग्वार सीड में अभी शॉर्ट टर्म में एक बार फिर से तेजी बनती नजर आ सकती है, अनुजी द्वारा खरीदारी का ट्रेड लेके चला जा सकता है। ये से अनुजी देख रहे हैं कि सोयाबीन में भी आज मुनाफा वसूली बनती नजर आ रही है। 6,800 की अच्छी रिकवरी के बाद सोयाबीन में एक बार फिर से 6,500 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन में एक बार फिर से यहाँ पर इस हफ्ते 6,800 के लेवल्स फिर से देखने को मिल पाएंगे? देखिए, सोयाबीन और रिफाइंड सभी में जो ट्रेंड है आगे हमें लगता है कि थोड़ा दायरे का ही रहेगा। तेजी हम तक नहीं कर रहे हैं क्योंकि सोयाबीन की भी क्रॉप इस बार काफी अच्छी रही है और आगे सरसों की जो पैदावार है वो भी बढ़ सकती है, तो आगे जो अराइवल रहेंगी वो काफी भरपूर रहेंगी। तो तेजी का तो अभी हमें लगता है कि व्यू नहीं है, हमें लगता है कि यहाँ पर जो मार्केट है वो थोड़ा नरमी के साथ ही ट्रेड रहेगा। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेलर प्राइस की स्ट्रेटेजी रहेगी, हमें लगता है कि नीचे सोयाबीन 6,300 तक के लेवल को दिखा सकता है, वहीं रिफाइंड और सीपीओ में भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगी। जी अनुजी, बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में हमने पहले पिंक बॉल वर्म की वजह से जो कॉटन क्रॉप थी वो काफी ज्यादा डैमेज होते भी देखी है और अब देख रहे हैं कि न्यू अराइवल्स भी हैं और बारिश भी शुरू हो गई है एक बार फिर से। ऐसे में कॉटन का आगे रुझान कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, गुजरात में हमने अनएक्सपेक्टेड बारिश देखी थी और तेलंगाना में भी हमने काफी अनएक्सपेक्टेड बारिश देखी है, उसकी वजह से कॉटन क्रॉप को नुकसान होता हुआ दिखा, जिसकी वजह से हमने कॉटन के अंदर अच्छी तेजी देखी है। हमें लगता है कि ये तेजी अभी और एक्सटेंड हो सकती है और ऊपर में 32,000 से लेकर 32,500 तक के लेवल कॉटन में देखे जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी है, तो हमें लगता है कि छोटी अवधि में कॉटन का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और 32,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि कॉटन में भी खरीदारी देखने को मिलती रहेगी और 32,500 तक के भी लेवल्स ऊपर में कॉटन की कीमतों में देखने को मिल सकते हैं। ये सर मुझे बात करें अगर मैंथा की, तो मैंथा में देख रहे हैं कि कंज्यूमर डिमांड काफी ज्यादा वीक देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या एक्सपोर्ट डिमांड मैंथा की कीमतों को ऊपरी स्तर पर लेके जा सकती है? देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली, अभी हमने फिलहाल पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर अच्छी खासी एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ते हुए देखी है और हमें लगता है कि एक अच्छा खासा यहाँ पर रनअप मैंथा में देखने को मिल सकता है। और अगर हम आज टेक्निकल चार्ट पे भी देखें तो काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है। हमें लगता है कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया है काफी आगे तक जा सकता है और ऊपर में जो हम टारगेट कर रहे हैं 1000 से लेकर 1020 तक के लेवल मैंथा ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ देखने को मिली है, हमें लगता है कि यहाँ भावों में बाउंस बैक रहेगा और करंट रेट से 40 से 50 रुपए की तेजी और यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जी अनुजी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, आज के लिए टॉपिक्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से जिनमें आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, मैंथा के अंदर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर में 1000 से लेकर 1020 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं साथ में मसालों में जीरा में खरीदारी करके चलें, ऊपर में 16,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि अनुज जी ने बताया कि मैंथा में खरीदारी में रहा जा सकता है, मैंथा में निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढने हैं और अनुज जी ने जो लेवल दिए एक ऊपर में 1000 से लेकर 1020 तक वो टारगेट अचीव कर सकते हैं मैंथा निचले स्तर पर खरीदारी करके। और दूसरा कम्युनिटी उन्होंने दी है जीरा, यानी कि क्यूमिन। जीरे में भी वायदा में खरीदारी में रहा जा सकता है, करंट लेवल से जीरे में 16,500 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जीरा और मैंथा दोनों में ही खरीदारी में अनुजी के अनुसार रहा जा सकता है खरीदारी के अंदर और वह अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। तो फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको एंजॉय नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट टाइम्स पर।